अगली खबर गया से है। पूरे बिहार में चलाए जा रहे जन अधिकार पार्टी के द्वारा किसान मजदूर रोजगार यात्रा के तहत शनिवार को गया शहर के आजाद पार्क में जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे, जहां किसान मजदूर रोजगार सभा को उन्होंने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना टीकाकरण को लेकर राजनीति न हो, साथ ही उन्होंने इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश हत्याकांड के बारे में प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जबकि मुख्यमंत्री खुद इस बिहार में अपराधी आम लोगों की हत्या और दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। सरकार और उनके नुमाइंदे उन्हें संरक्षण देने का काम कर। हत्या है, 48 घंटे बीत गए कोई मतलब नहीं। मैं पीआईएल में जा रहा हूँ, लड़ाई आर पार होगी। हत्या सिर्फ रुपेश की नहीं, हत्या जो आम है, जो कॉमन लोग की है, वो भी रुपेश की तरह एसपीडी ट्रायल हो और उस पर भी सुशील मोदी जाने का काम करिए। सुशील मोदी, किस बड़ी मछली को बचाना चाहते हैं आप? कौन है इस रुपेश के मर्डर के पीछे? कौन पदाधिकारी, कौन पॉलिटिकल आदमी या कौन माफिया? क्यों नहीं अभी तक रुपेश के मोबाइल को आपने पब्लिक डोमेन में लाया?